सो हे गाइस, दिस इज पृथ्वीराज। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वन प्लस नॉट टू टी स्मार्टफोन। ये फोन के बारे में हमने एक वीडियो में बात किया था, वहाँ आप आई बटन पे देख सकते हो। वो अपकमिंग फोन्स इन द मे मंथ का था। इसमें मैंने थोड़े डिटेल में बात नहीं की थी, ये वीडियो में पूरा फोन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो अगर ये वीडियो देख रहे हो तो। पहले इसको जाके लाइक करो, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो जाके इसको पहले सब्सक्राइब करो। वी आर गोइंग टू रीच 300 सब्सक्राइबर्स, ये गोल जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर दो, और बहुत सारे वीडियो जैसे आते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट थिंग इज बॉक्स कंटेंट्स। बॉक्स में ना आपको फोन मिलेगा, टीवी केस मिलेगा इसके साथ, 80 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग मिलेगी, और ये वो रेड केबल जो वन प्लस की तरफ हर बार की तरह आता है। ये फोन को ना हम देख रहे हैं तो एक प्रॉपर वन प्लस का फोन बोला जा सकता है, क्योंकि इसके ये फोन के साथ ना आपको अलर्ट स्लाइडर मिलता है। अलर्ट स्लाइडर वॉज द मेन थिंग इन द वन प्लस स्मार्टफोन, और इसकी फास्ट चार्जिंग। बीच में कैसा हुआ था, वन प्लस अभी आपने देखा वन प्लस नॉट टू, वन प्लस नॉट सी टू लाइट और वन प्लस नॉट सी टू, ये फोन में ना अलर्ट स्लाइडर ही गायब कर दिया था। पर ये फोन शायद प्रॉपर वन प्लस ने बनाया, ओप्पो ने नहीं बनाया, दोनों एक ही है, पर प्रॉपर वन प्लस का बिल्ट है, सो अलर्ट स्लाइडर दिया हुआ है। जैसे ये फोन ना मेरे को सेम एग्जैक्टली वन प्लस नॉट टू की तरह दिखता है। हाँ, थोड़ा कैमरा में चेंजेस है इस ये फोन का ना, नॉट टू टी का फोन का ना कैमरा बम बहुत बड़ा है कंपेयर टू द नॉट टू, पर वो जो कैमरा प्लेसिंग है ना वो एग्जैक्टली सेम दिखती है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे वन प्लस नॉट टू टी का और यहाँ पे वन प्लस नॉट टू का। बस नॉट टू टी और नॉट टू में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, क्योंकि स्पेक्स में सिर्फ 10-12 का डिफरेंस है। एक प्रोसेसर एक अलग है, इसमें 1200 का आता था, इसमें 1300 मीडियाटेक का 1300 आता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। बस फास्ट चार्जिंग का ये अलग है, इसमें शायद 66 वॉट्स का आता था, इसमें सीधा 80 वॉट्स का दिया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड थिंग स्पेक्स, इसकी स्पेक्स डिटेल में आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मीडियाटेक का डायमंडसिटी 1300 5G प्रोसेसर आता है, इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है स्पेक्स में हम लोग बात करें तो। इसमें नॉट टू में ना 1200 आता था, इसमें नॉट थ्री में 1300 आता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। पर ये फ़ोन जैसे ग्लोबली लॉन्च हुआ है ना, तो हमको मालूम नहीं कि इसके साथ एग्जैक्ट 5G बैंड्स कितने हैं, मतलब एग्जैक्टली 5G बैंड्स कितने हैं, और इसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने अपडेट्स आएंगे और सिक्योरिटी अपडेट्स कितने साल के आएंगे ये मालूम नहीं। जब भी पता चलेगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग इज इसकी बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ अभी 80 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग है, तो आराम से 5 to 7 मिनट्स में 50% चार्ज हो जाएगा, फुल शायद 20 मिनट्स में हो जाएगा, बिलो 20 मिनट्स। बट इसके साथ ना 4500 mAh की बैटरी है। देखो, अगर फॉर एग्जांपल अभी हम कौन सा तो अलग फ़ोन ले, फॉर एग्जांपल सैमसंग के फ़ोन जो उनकी एम सीरीज़ आती है स्पेशली फॉर बैटरी सीरीज, मतलब मॉन्स्टर सीरीज उनकी, उसमें कैसा है ना बैटरी बहुत ज़्यादा देते, 5000 mAh, 6000 mAh, 7000 mAh बैटरी, पर चार्जिंग की पावर बहुत कम देते हैं, मतलब 15 वॉट्स की चार्जिंग, हाईएस्ट 25 वॉट्स। ये चाइनीज़ फ़ोन के साथ कैसा रहता है ना, हाई पावर वॉट्स की फास्ट चार्जिंग देंगे, जैसे अभी ये फ़ोन में 80 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग दे रहे हैं, तो बैटरी एमएच अगर कम भी हो गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये फ़ोन आपको पूरा दिन तो आराम से चल जाएगा। ना मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग इज इसकी कनेक्टिविटी। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, वाईफाई 6 का सपोर्ट आता है, ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट आता है, ड्यूल 4G बैंड से, 5G फोन है पर कितने बैंड से मालूम नहीं, NFC का सपोर्ट आता है, मतलब आप वायरलेसली पेमेंट्स कर सकते हो। ना मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग इज इसके स्पीकर्स। इसके साथ ना आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मल्टी मीडिया बहुत अच्छे से रहेगा, क्योंकि स्टीरियो स्पीकर के साथ इसके डिस्प्ले ना सुपर एमोलेड स्क्रीन आती है, इसके साथ अराउंड 90 हर्ज रिफ्रेश रेट, 120 हर्ज देना चाहिए था, इधर कॉस्ट कटिंग किया वन प्लस ने, पर 90 हर्ज है तो नो प्रॉब्लम। आपको व्यूइंग एंगल्स भी बहुत सेम लगेंगे एज नॉट टू फोन, मतलब एग्जैक्टली सेम फोन है। स्पेक्स भी देख सकते हो, डिजाइन देख सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे 10-20 का फर्क है, ज़्यादा कुछ है। और ये फोन जैसे स्टीरियो स्पीकर्स दे रहा है तो मल्टी मीडिया में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग इज इसका कैमरा सेटअप। ट्रिपल कैमरा सेटअप आता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 50 megapixel का OIS कैमरा है, 8 megapixel का अल्ट्रा वाइड है, 2 megapixel का माइक्रो है, और इसके साथ ना कैमरा सैंपल जो मिले थे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ऐसे अच्छी फोटो आती है, एवरेज भी नहीं है, बहुत बढ़िया भी नहीं है, ठीक फोटोज है, मतलब तो इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छी है, क्योंकि वन प्लस के मैक्सिमम फोन जो कैमरा सेंट्रिक्स नहीं रहते। अगर आपको कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन चाहिए देन यू कैन गो फॉर ओप्पो वीवो स्मार्टफोन्स। वन प्लस के लोग उसके ऑक्सीजन ओएस के लिए लेते हैं, विच इज इनडायरेक्टली कलर ओएस, उसके ऊपर की सीन है ऑक्सीजन ओएस के, पर सब अच्छा है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इसकी प्राइसिंग। ये किस प्राइस में इंडिया में लॉन्च हो सकता है।
ये फोन अराउंड ग्लोबली $400 का तो कुछ लॉन्च हुआ है, मतलब अराउंड 28-29 thousand, अराउंड बिलो 30 thousand। तो हाँ, हमने जैसे कहा कि ये फोन सेम एग्जैक्टली नॉट टू जैसा दिखता है, मतलब दिखता है कि आप सभी सेम है, बस स्पेक्स में ऊपर नीचे थोड़ा फर्क है। तो ये फोन वन प्लस नॉट टू 28 thousand में लॉन्च हुआ था, तो मुझे लगता है ये फोन वन प्लस नॉट टू टी जो है ये बिलो 30 thousand लॉन्च होगा फोन। सो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव वॉच इट टिल हियर, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, टेक केयर गाइस, टिल देन जय श्री कृष्णा, बाय।